बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी मिल सके। भागलपुर सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र के कुमेठा पंचायत के डोमासी गांव में महादलित की जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है। वहीं इस मामले में मनको देवी ने बताया कि हमारा 25 डिसमील जमीन गांव के दबंग दिनेश तांती, बुचो ताती, सजित तांती ने हड़प कर पुस्तकालय व शौचालय बना लिया है और इस मामले में पंचायत के मुखिया भी साथ दे रहा। इस मामले को लेकर थाना व अंचलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाया गया है, लेकिन जमीन नहीं रहने के कारण दर दर भटक कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वही इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि इस जमीन दान में दे दिया गया है और यह पुस्तकालय पूर्व मुखिया कृष्ण मोहन यादव द्वारा बनाया गया है। जब इस बारे में कृष्ण मोहन मुखिया से पूछताछ किया गया तो बताया कि लिलोताती जमीन को 4 डिसमिल दान में देकर पुस्तकालय और शौचालय का निर्माण कराया गया है, जबकि जमीन का मालिक मनको देवी के दादा स्वर्गीय गोविंद डोमसारा जमीन है। वह जमीन मनको देवी को रजिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। कहाँ करवा? कुमेठा। क्या हुआ आपके साथ? हमारा साथ में सुमराव जमीन पर पुस्तकालय बना दिया है, पैखाना बना दिया है। कौन लोग बनाया? संजीव तोती, दिनेश तोती, बुचो तोती और मुखिया भी है। मुखिया भी शामिल है इस सब में। हाँ, क्या कहता है? कि नहीं रहने देंगे, भागो यहाँ से, हमारा जमीन है। भगा दिया आपको? भगा दिया। इसके लेके थाना में दिया आवेदन? हाँ, आवेदन थाना में दे दिए। सीओ को भी दिए? हाँ, सीओ भी दिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आप लोग कहाँ रहते हैं अभी? फूल जन्नत में रहते हैं, भाग भाग करके। कितना दिन से ये हड़पा है? ये 2-3 महीना हो गया। कोई ध्यान नहीं है? कोई ध्यान नहीं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मस्ती पंचायत के शिवनंदनपुर गांव में डीला अशोक विंद की मनमानी के कारण 15 राशन कार्डधारी को अनाज नहीं मिलने के कारण लाभुक प्रखंड कायौले का लगा रहे हैं चक्कर। इस मामले को लेकर लाभुक कैलाश विंद ने बताया कि अनाज नहीं मिलने पर वीडियो व इमो को शिकायत करने के बावजूद नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। ऐसे में लाभुक किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों नहीं दे रहा है? अशोक जिला नहीं दे रहा है? वीडियो का शिकायत किए हैं? इमो साहब को भी शिकायत किए। क्या कर रहा है? बोलता है जो दे देंगे। आज आया ऐसे 6 महीना हो चुका है। 7 महीना है चुका है। 7 महीना से नहीं मिल रहा है? नहीं। तो 7 महीना कैसे रह रहे हैं भूखे? किसी तरीका से कैसे कमा कर खा रहे हैं? खा रहे हैं, इसी तरह है, पूरा ले रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत में 7 निश्चय योजना में हुए घोटाला को लेकर उपमुखिया देवन यादव व वार्डो सदस्य संतोष झा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी व मनरेगा पदाधिकारी से सूचना अधिनियम के तहत प्रपत्र के आधार पर रिपोर्ट मांगा गया है, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बावजूद नहीं मिलने पर उप विकास आयुक्त से भी सूचना अधिनियम के तहत रिपोर्ट मांगा गया है। रिपोर्ट नहीं मिलने पर भ्रष्टाचार से लिप्त नीचे से उप अधिकारियों पर आरोप लगाया है। कमीशन मांगते हैं पंचायत में वार्ड सदस्यों से, उनका कहना है कि जो वार्ड सदस्य उनकी कमीशन के तौर पे मुझे प्रदान करेगा तत्पश्चात मैं उसको उतना ज़्यादा काम दूंगा, गली नली योजना हो या पेयजल योजना। लेकिन हमारा इस्टीमेट जो तकनीकी स्वीकृति 4/10/18 को प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया है, वो आज तक हमारा भुगतान हमारे वार्ड के नए प्रबंधन समिति के खाते में मुखिया जी श्री राम लाल चौधरी द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि मैंने 50% कमीशन देने के लिए इनकार कर लिया। इसका सूचना मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी DM भागलपुर जिला और उप विकास आयुक्त भागलपुर को भी आवेदन मैंने दिया है, लेकिन उसके पश्चात भी कोई भी कार्रवाई अभी तक आज के दिनांक नहीं हुआ है। सूचना जो मांगे हैं सूचना के तहत अधिकार मैंने 3/5/3/18 को प्रथम अपील आवेदन मैंने BDO साहब और प्रखंड मनरेगा के PO साहब को भी दिया था। उसके बाद दूसरा रिमाइंडर मैंने 26/4 को पुनः BDO साहब, PO मनरेगा एवं उप विकास आयुक्त भागलपुर को भी दिया है। 26/4 के डेट में सेकंड रिमाइंडर BDO साहब को भी दिए, PO साहब को भी दिए, उप विकास आयुक्त को भी दिए, लेकिन नहीं मिला अभी। लेकिन उसका सूचना का अधिकार के तहत मुझे आज तक भी उसका कोई सूचना मुझे BDO साहब या PO साहब या प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई भी सूचना मुझे नहीं दिया गया है। कितना दिन हो गया? ये करीब 1.5 महीने के लगभग हो गया। 2 महीना? 3
5/3 को मैंने दिया था, 18/5/19 को, अब तक नहीं दिया, अब तक नहीं दिया गया है। क्या 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 कर रहे हैं? भ्रष्टाचार में सभी पदाधिकारी लिप्त हैं, सभी कमीशन मोटी मोटी कमीशन मांगते हैं, जो कि क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष कुमार झा, वार्ड सदस्य गुमैठा पंचायत वार्ड नंबर 10, और हमारे बगल में हमारे सहयोगी उप मुखिया जी गुमैठा पंचायत वार्ड नंबर 2 हैं। दोनों मिल के मांगे थे? दोनों मिल के मांगे हैं, लेकिन नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के यात्री धमेशाला में अंचाला अधिकारी शशिकांत कुमार के द्वारा राजस्व शिविर लगाया गया। इस शिविर में नगर परिषद व प्रखंड के तमाम पंचायत का लगान रिशिद दाखिल खारिज ऑनलाइन जमाबंदी सुधार किया गया। इस शिविर में तकरीबन 20 रिशिद काटा गया है। शिविर में अंचाला अधिकारी, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल के तमाम कर्मचारी मौजूद थे। लैंड फिलिंग का हम लोग भेज रहे थे, विभाग अंतर विभागीय हस्तांतरण का अभिलेख, अंतर विभागीय का कर्मचारी रिपोर्ट का उसके साथ कर्मचारी रिपोर्ट नहीं किया। और क्या बोला? जमीन विवादित है, मौखिक रूप से बोला कि जमीन पे टाइटल चल रहा है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं दिया, माइन लिखित में दिया कि उसमें टाइटल। केवल हस्तांतरण का अभिलेख, कर्मचारी रिपोर्ट नहीं किया, टाइटल चल रहा है, मौखिक बोला, लिखित में नहीं दे रहा, ना ही साक्ष्य दे रहा। बिहार की हर एक जिले की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको जानकारी।